छत्तीसगढ़ के गंडी क्षेत्र के लोधी नाव गांव में एक गाय ने अद्भुत बछिया को जन्म दिया, जिसकी तीन आंखें, पूंछ में लट और नाक में चार छेद हैं, जिसे लोग धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। पूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और दर्शन कर नारियल और पैसे भी भेंट कर रहे हैं। बता दें कि इस अद्भुत बछिया का जन्म छुई खदान तहसील के ग्राम लोधी नवा गांव के हेमंत चंदेल के घर में हुआ है, जो गांव सहित पूरे अंचल में कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के लिए दूर दराज के लोग आ रहे हैं। नीरज चंदेल ने बताया कि बछिया का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पशु चिकित्सक ने बताया बछिया पूरी तरह स्वस्थ है। सर, इसका जन्म कल रात में 7-7:30 बजे के बीच हुआ था। और जैसे ये हुई ना, उसके बाद 2 मिनट के लिए सबके सब अचंभा हो गए थे कि ये क्या दर्शन देख रहे हैं हम लोग। कुछ अलग, कुछ नया, कुछ हटके, कुछ भगवान के रूप से प्रेरित होके, या बोल सकते हैं भगवान की काम, मतलब भगवान ही हम लोग को ऐसा दर्शन दे रहे हैं। ये जो भी है बछिया है, जो कोई है, इसका त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र तो आज तक हम सृष्टि में अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन ये जैसे कि आप भगवान शंकर को मानते हैं, भगवान शंकर के ऊपर त्रिनेत्र है, उसी प्रकार ये साक्षात त्रिनेत्र का ये है, यानी कि जो कलयुग में ये है वो हमको ये दिखा चुका है कि त्रिनेत्र है। जो शंकर भगवान का अधीन था त्रिनेत्र, अभी तक तो हमने ऐसा नहीं सुना है कि त्रिनेत्र किसी कहीं किसी के ऊपर ऐसा हुआ है, लेकिन ये साक्षात दर्शन दिया है। नमस्कार, मैं हूँ रत्नेश कुलदीप और आज हम हैं छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत लोधी नवा गांव में, जहाँ पर एक अद्भुत बच्चिए को गाय ने जन्म दिया है, जिसकी तीन आंखें हैं, नाक में चार छेद हैं और पूंछ में लट भी है, जिसे लोग धार्मिक आस्था से जोड़ करके देख रहे हैं। बताया जाता है कि इस बच्चिए का जन्म कल शाम 7 बजे के लगभग हुआ है और डॉक्टर आकर के इसका परीक्षण भी किए हुए हैं, जिससे पूरी तरीके से इस बच्ची को स्वस्थ बताया जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का भीड़ लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कुछ इसको महादेव का रूप बता रहे हैं क्योंकि त्रिनेत्र है, और इस कारण से लोगों में काफी जिज्ञासा है। दूर दूर से लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं, फूल पत्र नारियल भेंट करके अपनी आस्था को बता रहे हैं। गंडे से साधना न्यूज़ के लिए रत्न स्कूल।